आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर्स में ये बनने वाले स्पेशल आटा पिन्ने की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी होने वाली है और बहुत ही क्विक होने वाली है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, क्योंकि सर्दियों में इसे बहुत ही शौक से बनाया जाता है और बहुत ही अच्छे से सभी इसे खाते भी हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं ऐड करने वाली हूँ 1/4 कप घी। और इसे घी में बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी इसे घी में बनाएं। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ ये गोंद, जो कि विंटर्स में बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये कुछ इस तरह से है, आप इसे अगर बड़े पीसेस में है तो आप इसे तोड़ भी सकते हैं। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। थोड़ी देर में ये अच्छे से फूलने लगेगा और फूलने के बाद ये व्हाइट कलर के हो जाते हैं। बस आपको इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक सके और कच्चा ना रहे। तो ये देखिए काफी अच्छे से फूल चुका है। अब मैं इसे अच्छे से निकाल लूंगी। हल्का हल्का सा ये ब्राउन कलर जब आने लगे तब आप इसे निकाल सकते हैं। बस फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है। इसके बाद मैं यहाँ पर ये बादाम भी अच्छे से फ्राई कर लूंगी 1 मिनट के लिए। बस हल्की सी एक खुशबू आने लगे और ये अच्छे से फूल जाए। इन्हें फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो मैं इन्हें भी अच्छे से निकाल लूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर इसी घी में थोड़े से काजू भी ऐड करने वाली हूँ। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी में ऐड किए हैं। तो बस हल्के से काजू ब्राउन होने लगे तभी हम इसे निकाल लेंगे। तो ये काजू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके बाद जो ये घी बचा हुआ है इसी में मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पर जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ये 2 कप गेहूं का आटा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मोटा गेहूं का आटा यूज किया है, जो रोटी बनाने के लिए हम यूज करते हैं वो वाला यूज नहीं किया है। अगर आपके पास भी मोटा आटा हो तो आप उसी से ये पिन्नी बनाइए, उसी से बहुत टेस्टी बनती है। तो बस इसे हमें अच्छे से भूनना है और इसे भी हमें स्टार्टिंग में मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से भूनना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। अगर आटा कच्चा रहेगा तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा हेल्थ के लिए। तो बस इसे यहाँ पर अच्छे से हमें चलाते जाना है ताकि घी अच्छे से मिक्स हो पाए। अभी आपको काफी ड्राई लग रहा है, पर जब आप इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये काफी अच्छे से लिक्विड कंसिस्टेंसी में आने लग जाएगा। और 5 से 10 मिनट बाद ये काफी अच्छे से भुन जाएगा और थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में भी आ जाएगा, अच्छे से बाइंड अप हो जाएगा। तो ये देखिए काफी अच्छे से बाइंड अप हो रहा है। ये धीरे धीरे 2-3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए अच्छे से। और इसका जो कलर है वो भी आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको सारी स्टेजेस दिखाते जा रही हूँ। तो ये देखिए अब 2-3 मिनट मुझे और हो चुके हैं और जैसे ही मैं इसे पलट रही हूँ आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आपको दिख रहा होगा। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है ताकि इसका जो कलर है वो जल्दी से ब्राउन हो जाए। अभी तक हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाया था ताकि अंदर तक जो ये आटा है वो पक सके। तो बस इसी तरह से आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है और आप देख सकते हैं कि जो इसकी बाइंडिंग है वो और भी अच्छी होती जा रही है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और ड्राई लग रहा था तो मैंने ये 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया है, अदरवाइज यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, ये देखिए बिल्कुल ड्राई नहीं है ये। तो बस इसी तरह से हमें इसे और अच्छे से भूनना है थोड़ा और ब्राउन होने तक। इस प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे और जब तक अच्छे से ब्राउन ना हो तब तक आपको इसे चलाते ही रहना है। तो बस अब मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा फैला दूंगी और गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, बट हमें अभी और इसे चलाते रहना है क्योंकि कढ़ाई जो है वो भी गर्म है।
तो जब ये ठंडा हो जाए 10 से 15 मिनट बाद, तब हम इसे इस तरह से एक बार चला लेंगे। और अभी इसी में मैं सारी चीजें ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास कोई और बड़ा बर्तन है तो आप उसमें भी इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक कप बूरा लिया हुआ है। इसके बाद जो हमने गोंद लिया था उसे मैंने क्रश कर लिया है यहाँ पर, तो ये गोंद भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे वो भी मैंने अच्छे से क्रश कर लिए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये हमारा गेहूं का आटा है वो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप इसे इजीली टच कर पाए। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दिया है, ये ऑप्शनल है। और आप यहाँ पर थोड़ा सा नारियल का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर नारियल को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अभी ये थोड़ा सा ज्यादा गर्म है इसीलिए मैं इसे हाथ से मिक्स नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए काफी अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसके बाद इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बस यहाँ पर मैं लड्डू बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। अभी जब आप ये लड्डू बनाएंगे तो काफी सॉफ्ट रहेंगे, आपको केयरफुली बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक काजू का पीस लगा दिया है और इस तरह से इसे फिर से प्रेस कर रही हूँ। इससे दिखने में थोड़े से ये अट्रैक्टिव लगेंगे। तो बस इसी तरह से ये बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे बनाएं तो थोड़ी देर के लिए आपको इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर बाहर ही रखना होगा ताकि ये हार्ड हो सके। अगर आप इसे डायरेक्टली डिब्बे में बंद कर देंगे तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाएंगे। तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए बाहर रख दें, उसके बाद ही आप इसे स्टोर करें। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।